कोई सवाल? थैंक यू सो मच. मैं यही कहना चाहूँगी कि वेरी रिसेंटली आई मेट आत्मिका एंड तरुण एंड आई विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस फॉर हैशटैग. दे वेरी इम्प्रेसिव, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड आई एम होपिंग टू हैव अ ग्रेट इनिंग्स विद देम. थैंक यू. सरप्राइज पैकेज के लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा. तो आपका सवाल था, आई विश हर मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर एंड फॉर हैशटैग हर कंपनी. अच्छा, उनके लिए एक्चुअली इतने लास्ट मिनट में आई हूँ और कहीं किसी मीटिंग से आई हूँ, दैट्स वाई आई एम नॉट इवन ड्रेस्ड प्रॉपरली. आई एम इन अ वेरी फॉर्मल मीटिंग आउटफिट, तो उनके लिए मैं कुछ सरप्राइज ला नहीं पाई. वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड परफेक्ट मैनेजर मटीरियल आई गेस. सॉरी, आ रहा है, बातचीत हो रही है, प्रोजेक्ट्स खुद ब खुद डीले होते हैं. मतलब मीटिंग्स तो काफ़ी होती है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट उनके लिए भी प्रोसेस लंबा होता है इंतज़ार का, सो इट टेक्स टाइम. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज शिरकत होके. और आत्मिका जी का बर्थडे है, पहले तो उनको इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हैशटैग का एक साल पूरा हुआ है, तो तरुण मेरा भाई है, बहुत ही ख़ास मेरा दोस्त है, तो मेरी तरफ से तरुण भाई और आत्मिका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ. और इनका ये जो वेंचर है उसके लिए हमारी बहुत दिली शुभकामनाएं हैं इनको, और बहुत सक्सेस हो और ऐसे ही ये लोग अच्छा काम करते रहे. तो बस अच्छा, अभी तो हम जस्ट पार्टी हार्ड, अभी तो हम लोग जस्ट अभी आए हैं, अभी तो अंदर जाके लगेगा पता क्या है, तो हम पूरे पार्टी के मूड में ही आए हैं, तो लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है. हाँ जी, अभी एक मनमर्जिया मूवी जो आ रही है नई, अभिषेक बच्चन जी की, तापसी पन्नू जी की और विकी कौशल जी की, उसमें मेरे दो गाने आए हैं अभी, तो उसमें से एक गाना मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ. काला ना सफेद है, काला ना सफेद है, इश्क दा रंग यारा ग्रे वाला से हो, जमाना है बदला, मोहब्बत भी बदली, किसे पिटे वर्जनु मारो अपडे हो. थैंक यू, थैंक यू. राजा कम यू नो, हर कोई जो आप लोग देखते हैं स्क्रीन पर या इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो इतना सारा काम कर रहे होते हैं, उनके पीछे ना वो सब जो काम हो रहा होता है, उनको सेलिब्रिटी बना रहे होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं. और हम जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके पीछे ना वो हेल्प करने वाली वो जो इंसान है उसका नाम है आत्मिका.
और जो कंपनी आप देख रहे हैं वो हमें बहुत बहुत हेल्प करती है इस तरह से बिल्ड करने में जो आप हमें देख पाते हैं। तो आई थिंक ये टाइम में सेलिब्रेट करने का अपनी उस टीम का जो कि हमारे साथ इतनी मेहनत करती है और इतना ज़्यादा दिन रात लगा कर हमारे इतने नखरे सहती है, हम लोग बहुत परेशान करते हैं आत्मिका और तरुण दोनों को, पर आई एम सो सो ग्लैड उनका एक साल कम्प्लीट हो रहा है एंड आई रियली होप दैट दे आर गोइंग टू सो सो वेल बिकॉज इट्स सो हार्ड वर्क। यार फेवरेट मेमोरी है कि हम में से मैं बताऊंगा नहीं कौन है, मैं हूँ ये है या कोई और है, वो हमें ना एक पोस्ट डालना था इंस्टाग्राम का और उसके लिए बेचारे सुबह 3 बजे से लेकर नेक्स्ट चार बजे दोपहर तक बेचारे भाग रहे थे जस्ट टू मेक श्योर द क्लाइंट इज़ हैप्पी, मेक श्योर दैट द पोस्ट इज़ गोइंग ऑन टाइम। सो आई थिंक दैट होल भागा दौड़ी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फनीएस्ट मेमोरी ऑफ देम। सो आई थिंक दैट दैट जस्ट डिफाइंस देम बोथ तरुण एंड आत्मिका एक्सट्रीमली हार्ड वर्क। मैं बिल्कुल जो इन्होंने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, जो हम लोग काम करते हैं कैमरा के आगे, लेकिन कैमरा के पीछे जो हमें सुंदर दिखाते हैं और हमें अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं वो डेफिनेटली द क्रेडिट गोज़ टू देम एंड सुंदरता तो उसके मॉम डैड की है देन यहाँ पर, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए जितने कनेक्शन आते हैं वो हमें हैशटैग देता है तो बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, या वेब सीरीज़ पर बहुत मेहनत चल रही है, उसका नाम है पंचबीट, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें काम कर रहे हैं, देयर इज निकी अनेजा, देयर इज समीर सोनी, देयर इज सिद्धार्थ शर्मा, प्रियांक शर्मा, हर्षिता, खुशी जोशी, एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग लॉन्च ऑन द वेब सीरीज़, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आई थिंक अभी एकता ने एक इंस्टा स्टोरी डाली थी, ऑल्दो वो डालनी नहीं थी, लविंग इट, सो आई एम सो सो हैप्पी दैट एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड लाइकिंग जो हम बना रहे हैं। अभी जो आगे जाके पता चलेगा जिस तरह का अभी हमारा आउटडोर होना बाकी है, सो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, अगेन हार्ड वर्क, किसी भी काम में बिना हार्ड वर्क के तो कुछ चलता है नहीं, सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर हैं। यार मैं तो क्या ही एक्साइटेड हूँ, मैं तो इस समय बड़ा हैप्पी हूँ बाकी लोगों के लिए जो जाएंगे बिग बॉस में इस साल, और बड़ा मज़ा आएगा उनको भी, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं अपनी चीज़ों में करने में, पर हाँ देखने में बहुत मज़ा आएगा कि इस साल कितना इंजॉय करेगी पूरी इंडिया की पब्लिक अबाउट हु विल बी इन द बिग बॉस हाउस। बढ़ेगा ही ड्रामा, आप सोचिए ना, मैं और प्रियांक फ्रेंड्स थे, केवल फ्रेंड्स, जब हम शो में गए तो ऐसे पागल हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे। आप सोचो माँ बेटा की जोड़ी जाएंगे और वो अलग अलग टीम में होंगे तो माँ जीतेगी या बेटा जीतेगा, जो भी हारेगा दूसरे को इश्यू होने वाली है। तो आई थिंक एवरी सिंगल जोड़ी जो जा रहा है बहुत सोच समझ के जाए, प्लान करके जाए, समझे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आ सकती है। पर आप ये सोचिए ना, रिश्ते मजबूत भी तो होंगे ना, आपको एक इशू से जब रिश्ते गुजरते हैं तो और मजबूत होते हैं, जो रिश्ते बिखर जाते हैं वो अच्छे कहीं ना कहीं तालमेल में इशू रहा होगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट बिग बॉस इज़ अबाउट रिश्तों के बारे में, आप कैसे हैंडल करते हैं चीज़ें। क्या चीज़ यार, फैंस को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा, प्लीज़ कीप लविंग बिकॉज योर लव गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच लॉट सोल्स। I think it's always nice when it's a threesome. No pun intended, but yeah, it's always a good thing, and I'm super excited for the birthday party and the launch and everything. Thank you. And all the best to everyone, and I hope for the best. I'm like pretty excited. I was very nervous कि पता नहीं कैसे जाएगा कैसे नहीं, but एक होता है faith and then people have been very supportive. You guys have been very supportive. आप लोग के भरोसे से ही मैं आगे चली हूँ और आप ही लोग मेरे लिए करोगे, so thank you so much.
मैं काफ़ी लेट आई हूँ, मैंने काफ़ी पार्टी मिस कर दी है, बट आई एम एक्चुअली ईगली वेटिंग टू गो इनसाइड एंड जस्ट जंप ऑन द केक. I'm very hungry. And I'm quite excited. I'm excited to meet all my friends and catch up with them. And I think these events are a place jahan hum sabse ek mil lete hain. Otherwise everyone's so busy in their lives, you don't really get time to catch up. So I actually wait for events like these taki you know sabse thoda milna julna ho jaye. मैं बिल्कुल पार्टीज नहीं करती, मैं बहुत बोरिंग हूँ. बट आई मीन इफ आई हैव टू देन आई वुड प्रेफर अ वेरी रिलैक्स लाउंजी काइंड ऑफ अ पार्टी. आई डोंट थिंक आई कैन गो आउट क्लबिंग और एनीथिंग. बट या समथिंग लाइक दिस इज अ गुड सीन, लाइक बर्थडे पार्टी, यू नो एवरीबडी, एंड यू नो इट्स आई लाइक प्लेसेस वेयर आई नो पीपल, सो इट्स ऑलवेज नाइसर. सॉरी मैं क्या टिप्स दूँ, आई थिंक शी इज परफेक्ट इन एवरी वे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.